सो हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगो, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर फॉलो कर लेना। और जो लोग इंटरेस्टेड हो मेरे चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए वो इजीली ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं टॉप 10 अंडररेटेड हैरी पॉटर कैरेक्टर के बारे में बात करूंगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं है, बस इन कैरेक्टर को उतनी वैल्यू नहीं दी गई जितनी देनी चाहिए थी। लाइक इन कैरेक्टर को मूवी में ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया, और इनमें से कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिनको बुक्स में काफ़ी सीन्स में इंक्लूड किया बट मूवी में या तो उनके सीन कट कर दिए गए या फिर उस सीन या उस लाइन को चेंज करके किसी और कैरेक्टर से वो चीज कराई, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर थोड़े अंडररेटेड हो जाते हैं। 10th, रॉन वीजली। दोस्तों, अब आप लोगों को लगेगा कि भाई रॉन कैसे अंडररेटेड हो सकता है, वो तो गोल्डन ट्रियो में है और हैरी पॉटर का बेस्ट फ्रेंड भी है। बट दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि गोल्डन ट्रियो में टॉप 2 कैरेक्टर कौन से हैं, तो आप में से 99% लोग हैरी और हरमाइनी को चुनेंगे, बट जिन लोगों ने बुक को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है वो हैरी और रॉन को चुनेंगे, बिकॉज बुक में काफ़ी सीन्स ऐसे हैं जहां रॉन हैरी को सजेशंस देता है बट मूवी में उन सीन्स को चेंज कर दिया गया है और वो सजेशन हरमाइनी हैरी को देती है, और ये काफ़ी बार मूवी में हमें देखने को मिला है। मूवी में वो रॉन होता है जो हैरी को सर्प भाषा के बारे में बता के ये बोलता है कि विजार्डिंग वर्ल्ड में ऐसी आवाज़ें सुनना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मूवी के अकॉर्डिंग वो हरमाइनी होती है, तो इसी वजह से रॉन को मूवी में थोड़ी कम वैल्यू दी गई है। 9th, नेरिस्का मैल्फॉय। दोस्तों, अगर ये नहीं होती तो शायद आज लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का ही आतंक होता। इन्होंने ही हैरी पॉटर को फॉरबिडन फॉरेस्ट में बचाया। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट नेरिस्का को चेक करने के लिए भेजता है, लेकिन नेरिस्का मैल्फॉय झूठ बोल देती है, और वो ऐसा करती क्यों है इससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप लोग चाहे तो जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। और इस सीन के बाद काफ़ी हैरी पॉटर फैंस जो है नेरिस्का को पसंद करने लग गए, बट शी इज़ आल्सो अंडररेटेड। बस लास्ट मूवी में ही इन्हें थोड़ी इंपॉर्टेंस मिली। 8th, डॉबी। दोस्तों, डॉबी सबसे ज़्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर है बिकॉज ऑफ मूवी। डॉबी के काफ़ी सीन्स कट किए गए, बुक में डॉबी की बहुत इंपॉर्टेंस है, गॉबलेट ऑफ फायर में और हाफ ब्लड प्रिंस में भी, बट मूवी में ऑलमोस्ट सारे सीन्स ही या तो कट कर दिए गए या फिर उस सीन को चेंज कर दिया गया, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोग चाहे तो जाकर देख सकते हैं। 7th, ड्रैको मैल्फॉय। दोस्तों, जो स्लिथरिन हाउस को पसंद नहीं करता वो आज भी ड्रैको को पसंद नहीं करता, और ड्रैको को भी मूवीज़ में काफ़ी कम स्क्रीन टाइम ही मिला है, एंड अकॉर्डिंग टू सम फैंस ड्रैको इज़ आल्सो अंडररेटेड। इनफैक्ट मैं ड्रैको को उतना पसंद नहीं करता था, बट जब मैंने पहली बार देखा कि ड्रैको ने हैरी को मैल्फॉय मेंशन में पहचानने से मना कर दिया, तो उसी वक्त मेरे साथ साथ आप में से भी कई लोग ड्रैको को पसंद करने लग गए होंगे। एंड एक सीन था जो मूवी में कट कर दिया गया कि जब हैरी हैग्रिड की गोदी से गिरता है तो ड्रैको भागकर जाता है और पॉटर कहकर वॉर्न उसे दे देता है, और अगर ये सीन मूवी में होता तो शायद फिर ड्रैको उतना अंडररेटेड नहीं रहता। 6th, सेड्रिक डिग्री। दोस्तों, सेड्रिक तो सिर्फ एक ही मूवी में अपीयर हुआ था, सो सेड्रिक इज आल्सो अंडररेटेड, और अगर मैं सही हूँ तो सेड्रिक एक लौता ऐसा विजार्ड है जिसे काफ़ी कम स्क्रीन टाइम मिला, बट फिर भी सेड्रिक डिग्री को काफ़ी फैंस के दिल में जगह मिली। 5th, सीरियस ब्लैक। दोस्तों, ऐसा ही कुछ सीरियस के साथ भी हुआ है, सीरियस को भी ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला। 3rd मूवी में हमें सीरियस के बारे में पता चलता है जब वो अस्काबान से भाग जाता है, बट सीरियस और हैरी एक दूसरे से एंडिंग के दौरान ही मिलते हैं। गॉबलेट ऑफ फायर में तो सीरियस को ना के बराबर स्क्रीन टाइम मिला, और ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स में जब सीरियस को थोड़ा स्क्रीन टाइम मिला तो एंडिंग में सीरियस की मौत हो गई, जिस वजह से फैंस ज़्यादा कुछ नहीं देख पाए सीरियस के बारे में, बट ये सभी फैंस को पता है कि सीरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग विजार्ड है। 4th, जिनी वीजली। दोस्तों, जिनी भी काफ़ी अंडररेटेड कैरेक्टर है मूवी के अकॉर्डिंग, क्योंकि बुक में तो उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया है कि वो एक पावरफुल विच थी, इनफैक्ट हरमाइनी से भी ज़्यादा पावरफुल, एक अच्छी क्विडिच प्लेयर भी थी, बट मूवी में ऐसा लगता है कि फैंस उसे बस हैरी की वजह से जानते हैं, कि हैरी उसे पसंद करने लग गया था, और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि जिनी को काफ़ी सही दिखाया जा सकता था। 3rd, नेविल लॉन्गबॉटम। दोस्तों, नेविल भी अंडररेटेड कैरेक्टर है। स्टार्टिंग में नेविल को काफ़ी शाय दिखाया गया है, बट नेविल हर्बोलॉजी में परफेक्ट हो गया था, और नेविल को भी काफ़ी कम स्क्रीन टाइम मिला। इनफैक्ट स्टार्टिंग से ही जब हरमाइनी रॉन हैरी से मिलती है तो हरमाइनी के साथ नेविल भी होता है, बट मूवी में ऐसा नहीं दिखाया। 2nd, प्रोफेसर मैकोनेगर। दोस्तों, जिस तरह से एल्बस और स्नेप के पावर हैरी पॉटर मूवी एक्सप्लेन कर देती है, उस तरह से वो प्रोफेसर मैकोनेगर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता पाई। इनफैक्ट मैकगोनेगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग विच है, लेकिन वो भी अंडररेटेड है। 1st पे है लूना लवगॉड। लूना लवगॉड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो भी काफ़ी अंडररेटेड है, उसे भी उतनी स्क्रीन टाइम नहीं दी गई जितनी वैल्यू उसे मिलनी चाहिए थी, मूवी में उसे उतनी वैल्यू मिली नहीं। जब हैरी रॉन हरमाइनी हॉक्रक्स हंट पर चले जाते हैं तो वो जिनी नेविल लूना होते हैं, जो कि डंबलडोर आर्मी को फिर से खड़ा कर रहे होते हैं हॉगवर्ट्स में ही।
और इस बारे में काफ़ी कम लोग जानते होंगे, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हमें मूवी में दिखाते तो शायद हो सकता था कि इनमें से काफ़ी कैरेक्टर आज अंडररेटेड नहीं होते। बट दोस्तों, मैं किसी भी कैरेक्टर को अंडररेटेड नहीं मानता हूँ। वो तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अंडररेटेड के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैंने वीडियो बना दी। बट अकॉर्डिंग टू मी, मैं किसी को भी अंडररेटेड नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने सबके बारे में पढ़ा हुआ है और सबकी अपनी अपनी वैल्यूज़ है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना।